Assalamualaikum viewers, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी ये डिजाइनिंग मेक आप लोग किस तरह से तैयार कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो डिज़ाइन है मैं इजी मेथड में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ये जो पीसेस हैं, जो स्मॉल पीसेस हैं, मैं दो इंच का करके एक स्क्वायर शेप का मैंने काट लिया है। काटने के बाद मैं इस तरह से इसको ट्रायंगल का एक शेप देकर यहाँ पे मैं हैंड स्टिच देकर इसको मैं पत्ते के जैसे शेप दूंगी। इसी तरह से मुझे बहुत सारे पीसेस चाहिए। और यहाँ पे ये जो कलर है आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो किस तरह से आप लोगों को पसंद है। तो यहाँ पे मैं वाइट और रेड कलर की ले रही हूँ, सॉरी येलो और रेड कलर की ले रही हूँ। तो इसी तरह से मैं बहुत पीसेस मुझे ज़रूरत होगी तो मैंने यहाँ पे काट लिया है। और यहाँ पे जो नेक है, नेक के लिए जो लॉन्ग स्ट्रिप मुझे चाहिए, जो नेक का मेजरमेंट है उसको यहाँ पे मैं दोनों तरफ से हाफ इंच करके फोल्ड करके लिया हूँ। और यहाँ पे मैं इसे आयरन करके इसको फ्लैट कर लिया है। उसके बाद मैं जो करूँगी, ये जो ड्रेस है, क्योंकि ये मेरी एक ड्रेस है, एकदम सिंपल सा ड्रेस था एक कलर का, तो मैंने कोशिश किया हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए, तो यहाँ पे मैं क्यों ना पाइपिंग का वर्क करूँ इस तरह से, तो इसलिए मैं इस ड्रेस पे मैं कर रही हूँ। अब मैं जो करूँगी, ये जो स्ट्रिप है, ये इस स्ट्रिप को मैं यहाँ पर स्टिच करूँगी। और यहाँ पर मैं और एक बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो स्ट्रिप चाहिए, एक होगा ऊपर और दूसरा वाला जो है, दूसरे वाले को मैं इस तरह से मैं स्टिच करूँगी। इस तरह से एक रेड दूंगी, एक येलो, एक रेड, एक येलो करके मेरी जो नेक का जो लंबाई है उस लंबाई से मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं अब स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पर इसके अंदर पर रख के यहाँ पर मैं फोल्ड करके यहाँ पे आयरन कर लूँगी। इस तरह से मुझे टोटल जो स्ट्रिप है ये मैं तैयार कर लूँगी। और ये जो डिज़ाइन है आप लोग मुरु पे यूज़ कर सकते हो, जो सलवार है वहाँ पे आप लोग ये नेक पे यूज़ कर सकते हो, बेबी की ड्रेस पे या फिर स्लेवेस पे भी ये आप लोग इजीली इसे यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से इसको मैंने कम्प्लीट कर लिया है। और यहाँ पे ये कंप्लीट है, जस्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये इस तरह से ये अटैच होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रिप दूंगी एक कलर का, उसके बाद मैं ये जो लेयर है ये दूंगी। अगर आप लोग चाहते हो तो इसको ऊपर भी दे सकते हो, बट मैं प्रिफर करती हूँ मैं ऊपर बॉर्डर, उसके बाद सेकेंड लेयर पर मैं ये डिज़ाइन में दूँगी। तो यहाँ पर मैं स्टिच कर रही हूँ इस तरह से, थोड़ा टाइम लेकर मैं यहाँ पे इसको लगा ली थी। और जिस मेथड में आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, अगर आप लोग करते हो तो बहुत ही कम समय में और इजीली इसको आप लोग फिनिश कर सकते हो। तो यहाँ पे तैयार हो गई है। और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पीसेस को काट के फोल्ड करके यहाँ पे आयरन स्टिच कर लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पर मेरी ये स्टिच हो गई है और नीचे पर भी मैंने स्टिच कर लिया है। अगर आप लोग चाहते हो तो ये लेसेस को इस तरह से भी लगा सकते हो या फिर इस तरह से भी आप लोग इसे लगा सकते हो। मैं इस तरह से ही लगाऊंगी, क्योंकि मैं सेंटर पे यहाँ पे जो पायल होती है वो मैं लगाऊंगी, जो छोटे छोटे पोती जैसी होती हैं, मुझे नहीं पता इंडिया में वो क्या कहते हैं, मेरी ये मैं इसे पायल कहती हूँ, तो वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। यहाँ पे आप लोग स्टोन भी लगा सकते हो, जो प्लेट होती है सिल्वर की वो भी लगा सकते हो, मिरर भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो अब मैं सेकेंड लेयर पे इसको इस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ, हाफ इंच से थोड़ा कम डिस्टेंस में रख के यहाँ पे मैंने लगा लिया है। और अब मैं जो करूँगी, इसकी सेंटर पे 2 इंच का डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे ये जो पायल्स है वो मैं लगाऊँगी। ये यहाँ पे कोई भी कलर आप लोग ले सकते हो, मैं यहाँ पे वाइट कलर का ले रही हूँ। तो इसी तरह से मेरी ये जो ड्रेस है ये कंप्लीट हो गई है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और मैं पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बता सकी हूँ।
और मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट के दौरान मुझे आप लोग बता सकते हो कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।